आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। कपिल सिब्बल की क्या रही मुख्य दलीलें? सीजीआई चंद्रचूड़ का क्या रहा रुख? सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 पर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच में सुनवाई जारी है। 15वें दिन की सुनवाई में कपिल सिब्बल ने अपनी दलीलें पेश की, जिनको लेकर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने उनसे सवाल भी दागे। हालांकि इसकी फहरिस्त इतनी लंबी है कि उसे एक वीडियो में समाया नहीं जा सकता है, इसलिए सीजीआई की बेंच में कपिल सिब्बल की मुख्य दलीलों के बारे में ही हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। सीजीआई की बेंच के सामने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने आर्टिकल 370 के मामले में संविधान की भावना और बहुसंख्यक वादी व्याख्या में तब्दील नहीं कर सकने की दलील दी। इसके लिए उन्होंने इतिहास का नजरिया पेश किया। सिब्बल ने कहा कि इतिहास में यह देखने को मिलता है कि जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत से जुड़ा हुआ नहीं है, वहीं नॉर्थ ईस्ट राज्यों का एक व्यापक संविधान और एडमिनिस्ट्रेटिव कंस्ट्रक्शन था। सिब्बल ने कहा कि इतिहास में कभी भी विलय के समझौते पर साइन करने के लिए नहीं कहा गया। कपिल सिब्बल ने सीजीआई की बेंच से कहा कि आर्टिकल 370 ये कहता है कि कुछ सब्जेक्ट्स के संबंध में स्टेट गवर्नमेंट की सहमति जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य सरकार ना भी कह सकती है। वहीं भारतीय संविधान ये नहीं कहता है कि जम्मू कश्मीर का संविधान लागू होने के बाद क्या होगा। कपिल सिब्बल की इस दलील के बाद सीजीआई चंद्रचूड़ ने उन्हीं की दलील का हवाला देते हुए कहा कि आप खुद देख सकते हैं, इस बात पर पूरी तरह से चुप्पी है कि जम्मू कश्मीर के संविधान को लागू होने के बाद क्या होगा, इसके लिए कोई भी क्लियर प्रोविजन नहीं है। सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि आर्टिकल 370 को लागू करने की मंजूरी देने और जम्मू कश्मीर के समायोजन की प्रक्रिया को समाप्त होने देने जैसा है। वहीं संविधान में यह भी नहीं बताया गया है कि एकीकरण किस समय खत्म होगा। सीजीआई चंद्रचूड़ के इस रुख पर कपिल सिब्बल ने दलील दी कि जम्मू कश्मीर के संविधान का ड्राफ्ट तैयार होने के बाद आर्टिकल 370 ने राज्य की संविधान सभा के कार्यकाल खत्म होने के बाद एक अस्थायी रूप ले लिया। सिब्बल ने दलील दी कि हमें संविधान की अक्षरशः चर्चा करनी चाहिए। सिब्बल ने कहा कि आर्टिकल 370 को हटाना एक राजनीतिक प्रक्रिया है, इसलिए इसका समाधान भी राजनीतिक ही होनी चाहिए। हालांकि सोमवार को आर्टिकल 370 पर सीजीआई चंद्रचूड़ की बेंच के सामने कपिल सिब्बल अपनी दलीलें पूरी नहीं कर पाए, जिसको वो 16वें दिन की सुनवाई में पूरी करेंगे। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।